My name is Shaita. I am a student in class 7. Assalamu alaikum. Meri takreer ka unwan taleem ki ahmiyat hai. Janab Sadr, ijazat ka talib hoon. Quran Majeed mein lagbhag 500 maqamat par usre taleem ki ahmiyat aur fazilat bayan ki gayi hai. Ilm ki farziyat aur barwas bayan ke beshumar hadithon mein bhi aaya hai. Huzur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam ne irshad farmaya ke usul ilm tamam musalmanon par mil तकरीब मर्द और वजन पर फर्ज है। बेशक इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द वजन पर फर्ज है। एक और रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तालिब इल्म के लिए किसी रास्ते पर चले, अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्ते पर चला दे। और ये बात वाजे कर दी गई है कि कुरान मजीद से उसने इल्म खवातीन के लिए भी इस तरह फर्ज है जिसे मर्द के लिए फर्ज है। किसी मुल्क की तरक्की याफ्ता है वो अमामन 100% शरा खानदगी के हामिल है। वे मुश्किल 70% तक पहुँची है। जदीन उलूम तो जरूरी है, उसके साथ साथ दीनी तालीम की भी बेहद अहमियत अपने जगह मुसम्मल है। उसके साथ साथ इंसान को इंसानियत से दोस्ती के लिए इखलाकी तालीम बेहद जरूरी है। इस तालीम की वजह से जिंदगी में इखलाक, खुदा परस्ती, इबादत, मोहब्बत, खुदूस, खिदमत, खलक, वफादारी हो की जज्बे पैदा होते हैं। इखलाकी तालीम की वजह से साले और नेक मुआशरे की तकशील हो सकती है। मोहतरम लोगों, तालीम वो जेवर है जो इंसान की किरदार संवारती है। दुनिया में अगर हर चीज देखी जाए तो वो बढ़ने से घटती है, मगर तालीम ऐसी दौलत है जो बढ़ने से घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। और इंसान को अशरफ मखलूकात का दर्जा तालीम की वजह से दिया गया है। तालीम हासिल करना हर मजहब में जायज है। इस्लाम में तालीम हासिल करना फर्ज किया गया है।